सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वंश ऑफ एमसीटी एक नई एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ है आशीष जिंदानी जो कि अभी एनआईटी सूरत कल की स्टूडेंट है। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, किस तरह से अपनी टीचर्स जॉब को लेफ्ट करा, उसके बाद 5 मंथ के अंदर प्रिपेयर करके एक बहुत अच्छी रैंक एनआईटी सूरत कल में अचीव करी। स्टार्ट करते हैं आशीष के इंट्रोडक्शन के साथ, उसमें वो अपनी पूरी जर्नी बताएंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कब उनको एमसीटी एग्जाम के बारे में पता लगा और क्या क्या उनके स्टेप्स थे जिसकी वजह से उनको इतनी अच्छी रैंक मिली। तो हाय आशीष। Hello Namit. Hello everyone. My name is Ashish Jindani and I have done my BSA with Mathematics from Saurashtra University. I have 2019 pass out and I have been working in TCS for around 10 months and then I started preparing for NIMCET. Right, Ashish. So our next question will be, what was your rank in the NIMCET and at what were the marks that you got in NIMCET that you qualified NIT Surat? My marks was around 624 and my all India rank was 92. ग्रेट, तो बहुत ही एक अच्छी अचीवमेंट है ऐसी है। तुमने इतनी कम से अभी हमने बात करी कि 5 मंथ्स की ड्यूरेशन में अगर तुम इतनी अच्छी रैंक अचीव कर पा रहे हो, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आईसी यही होगा, बाकी स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन होगा कि व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब एट द टीसीएच, क्योंकि ये एक बहुत ही टफ डिसीजन होता है इस टाइम पे लेने का कि तुम 2019 की पास आउट हो, तो एक बहुत बच्चों के माइंड में डिलेमा रहता है कि हम अभी अपनी जॉब को मतलब छोड़ दें बीच के अंदर या फिर कैसे प्रिपेयर करें, तो ये एक थोड़ा सा टफ डिसीजन रहता है। तो तुम्हारे में क्या स्ट्रेटेजी थी और तुमने कैसे डिसीजन को लिया? तो जब TCS छोड़ना था तब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था कि छोड़ो कि नहीं छोड़ो। एक TCS तो बहुत फेमस कंपनी है, हम सब जानते हैं, तो ये बहुत टफ डिसीजन रहा था उस टाइम। और उस टाइम काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि TCS नहीं छोड़ना चाहिए, ये इकोनॉमिकली जो कंडीशन है, मतलब काफ़ी लोगों को तो जॉब भी नहीं मिलती और मुझे एक जॉब मिली है अच्छी खासी, तो पर मुझे वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिखा। एक्चुअली वो BPO सेक्टर था जहाँ पे मैं काम करती थी, तो काफी सारे इश्यूज वहाँ पे रहते थे, तो नाइट शिफ्ट वगैरह के भी इश्यू रहते थे। तो मुझे मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट करा कि तुझमें कैपेबिलिटी है तो तू आगे बढ़, ऐसा तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर। तो ये फिर डिसीजन लेके मेरी फैमिली के सपोर्ट से मैंने TCS पे रिजाइन करा और फिर NIMCET की प्रिपरेशन में आगे बढ़ी। राइट आशीष, तो ये एक बहुत ही मतलब मेरे को लगता है फिर तो परफेक्ट डिसीजन हो गया तुम्हारा कि तुमने TCS को छोड़ा, तो तुम इतनी अच्छी चीज अचीव कर पाए हो और ये आगे तुम्हारे को और ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे पूछते हैं कि भैया हम TCS की जॉब ले लें या विप्रो की जॉब ले लें या ऐसे इन्फोसिस का भी आता है, उनका पैकेज बहुत कम रहता है और वो कहते हैं कि भैया इतनी ग्रोथ होगी, तो उन चीज़ों में इतनी ग्रोथ आप लोगों को मिल नहीं पाती है। मतलब कि आप भैया अगले 5 या 10 साल जब वहाँ पे लगाओगे तो आप उस लेवल पे पहुंचोगे जो आप MCA करने के बाद जैसे मैं एक SDE उस लेवल पे पहुंच सकते हो, उतनी आपकी मतलब एवरेज पैकेजेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो NITs के एवरेज पैकेज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो बच्चों के मन में डाउट रहता है TCS का या इन्फोसिस का या विप्रो का, तो मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ क्लियर होगी कि भैया अंडरग्राउंड रियलिटी क्या होती है वो अलग होती है। इसलिए भैया आरसी आपके सामने एक लाइफ एग्जाम्पल है जो छोड़ के आई है और उसने इतनी अच्छी रैंक अचीव करी है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रही थी 5 मंथ्स में इसको प्रिपेयर करने के लिए। तुमने बहुत लेट स्टार्ट करा कि मतलब जब ये हमारा पेंडेमिक का टाइम आ गया था और लॉकडाउन लगा था, तो तुमने अप्रैल के मंथ में तैयारी शुरू करी, तो क्या तुम्हारी अप्रैल से अक्टूबर तक की जर्नी रही, तुमने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया या क्या तुम्हारी अप्रोच थी, स्ट्रेटेजी क्या थी, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करो। कि बहुत बच्चों को होता है कि भैया हम इतना कम टाइम बचे कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रिपेयर करें, तो एक थोड़ी सी तुम गाइडेंस दोगे तो वो तुम्हारे को ज़्यादा मतलब इंस्पायर होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे अप्रैल में पता चला, अप्रैल 2020 में, कि NIMCET जैसी कोई एग्जाम होती है। मुझे पता ही नहीं था कि इस ऐसे NIT से भी MCA होता है और इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, वहां पे आगे इतने सारे स्कोप है। वो तो मेरे पापा ने यूट्यूब में सर्च करा था ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MCA कहाँ पे सही रहेगा ऐसा करके, तो उनको ये सब उन्होंने देखा टाइमलाइन पे और मुझे सजेस्ट करा कि तुम इसके बारे में ज्यादा आगे जानो कि ऐसे NIT से MCA हो सकता है, तो इसमें कितना स्कोप है वो सब। तो उसके बारे में पहले डिटेल सारी निकाली, फिर NIMCET की एग्जाम की पैटर्न क्या है, उसकी मार्क्स की कट ऑफ क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाली। फिर कौन कौन सी बुक प्रिफर करनी चाहिए वो हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो बुक आती है ना अरिहंत की, वो मैंने एक ले ली थी। और उस टाइम तो लॉकडाउन था, तो ज्यादातर ऐसे बुक को एक्सेस कर पाना भी अवेलेबल नहीं था कि बुक स्टोर जाके लेके आओ, ये पॉसिबल नहीं था वहां पे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम। और
उस 5 महीने में ना मैंने क्या किया कि हम अक्सर हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि ये टाइम ड्यूरेशन में हम लोगों को ये पढ़ना है, पर मेरा ऐसा था कि मैं हमेशा टाइम नहीं फॉलो कर पाती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं डेज का बना देती थी कि इतने दिनों में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है और इतने दिनों में मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है। तो मैंने सबसे पहले तो टॉपिक की लिस्ट बना ली कि ये टॉपिक है निम्सेट के सिलेबस में, और फिर उस हिसाब से करती गई कि हाँ इतनी डेट तक मुझे ये टॉपिक खत्म कर देना है, और अगर वो टॉपिक मेरा खत्म नहीं हुआ तो मुझे अपने से ज्यादा मेहनत करनी है कि मुझसे ये टॉपिक खत्म क्यों नहीं हुआ, अगर मुझे निम्सेट क्लियर करना है तो मुझे ये टाइम टेबल ये शेड्यूल फॉलो करना ही होगा। तो इस हिसाब से मैं करती थी, मतलब तुमने एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करा, तुमने हर चीज को डिवाइड कर लिया। तो ये तो भैया बहुत वही चीज होती है, इसलिए जब लड़ाई करने भी जाना होता है तुम्हारे को पहले अपनी भैया पूरी स्ट्रेटेजी सामने चाहिए होती है। जिस तरह से तुमने सिलेबस को डिवाइड करा, चैप्टर्स को डिसाइड करा, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज थी। और ये मैं आगे वाले स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि भैया फॉलो जरूर करो, क्योंकि जब हम रिविजन का टाइम भी होता है ना, क्योंकि आपका जो टाइम है जैसे कि अब एग्जाम के अंदर सिर्फ 20 डेज अप्रॉक्स टाइम बचा है, तो इसमें रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे सारा सिलेबस कर चुके होते हैं पर एक रिविजन नहीं कर पाते। तो रिविजन के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमारे को फॉलो करनी होती है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो इंस्टाग्राम से अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। राइट आंटी, तो हाँ, तो ऐसा तो अच्छा नहीं रहता ना कि हम लोग कभी ये टॉपिक पढ़ रहे कभी ये टॉपिक पढ़ रहे, तो पहले कोई एक टॉपिक खत्म कर देती थी और उसका फिर रिवीजन करती थी। हाँ, वो टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक शुरू करा ना, तो वो पहले टॉपिक मैं फिर भूल नहीं जाती थी, उसके क्वेश्चन एक दो हमेशा करती रहती थी ताकि मैं उसके जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो भूल ना जाऊं। और हर रोज मैं फॉर्मूलाज भी लिखा करती थी कि हाँ, हर रोज मैं एक बुक की मैंने बना ली थी फॉर्मूलाज की, जहाँ पे डेट ऊपर लिख के और नीचे हर रोज फॉर्मूला लिख लेती थी मैं, और क्वेश्चन पेपर भी मैं ऐसे स्ट्रेटेजी वाइज सॉल्व करती रहती थी कि जो टॉपिक मेरा खत्म हो गया उसके हिसाब के टॉपिक वाइज के मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी। अगर नहीं हुआ वो क्वेश्चन तो मेरा क्यों नहीं हुआ, उसकी भी मैंने एक अलग बुक बनाई थी कि जो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने हैं पेपर में वो मैं लिखा करती थी ताकि मैं लास्ट टाइम पे रिविजन कर सकूँ वो क्वेश्चन का। तो अगर एग्जाम पे उस टाइप का क्वेश्चन आए तो मुझे पता लगे कि हाँ मैंने यहाँ पे एक बार मिस्टेक कर चुकी है, तो मैं वहां पे ध्यान दे सकूँ कि एग्जाम टाइम पे मैं वो मिस्टेक ना करूँ। राइट आरसी, तो ये जो सारी आरसी ने अभी बातें बोली हैं यार, यही होती है एक बिना स्ट्रेटेजी और एक बिना अप्रोच, क्योंकि भैया चीजें तो वही होती है, सब लोग वही चीजें पढ़ते हैं, मतलब जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे सब लोगों ने वही सिलेबस किया कवर किया होगा। पर ये जो एक्स्ट्रा चीजें आरसी बता रही है कि उसने जो जो क्वेश्चन नहीं बने उनको एक कॉपी में मेंटेन करा कि वो उनकी प्रैक्टिस कर पाए, तो ये चीजें बहुत सारी ऐसी होती है कि जो तुम्हारे को हेल्प करती है कि तुम अपने जो गोल्स हैं उनके ज्यादा पास पहुंचो और उनको समझ पाओ कि भैया जो जो गलतियां हमसे हुई हैं वो हम आगे आगे ना करें। तो राइट आरसी, मेरे को लगता है बहुत ही वैल्यूएबल टिप है आरसी। अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का रोल क्या रहा था तुम्हारी तैयारी के अंदर, कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में तुम्हें कितना हेल्प करा, और तुम क्या मतलब ये जस्टिफाई चीज लगती है तुम्हें कि भैया प्रीवियस ईयर, मैं बहुत बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन अगर मैं 2020 के पेपर की बात भी करूँ तो उसमें अराउंड 18 क्वेश्चन रिपीट थे, कुछ तो बिल्कुल एज इट इज थे और कुछ सिर्फ वैल्यूज थे, तो तुम्हारे हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर्स का कितना रोल रहता है? मैंने जो 2008 टू 2019 के जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे ना वो 4 बार सॉल्व करे थे पूरे। कि सबसे पहले तो मैंने जब मेरे सारे टॉपिक खत्म हो गए उस टाइम पे मैंने करती गई, जैसे टॉपिक खत्म हुआ उस टॉपिक को ऐसे करती गई, ऐसे एक बार हुआ, और फिर 3 बार मैंने जस्ट लास्ट 1 मंथ पढ़ा था ना उस टाइम पे मैंने 3 बार सारे इयर्स के क्वेश्चन रिपीट कर लिए कि ये क्वेश्चन का ऐसे होता है, और उसका काफी फायदा हुआ क्योंकि क्या हुआ कि 2020 के एग्जाम में अराउंड 15-16 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो रिपीट हुए थे। Exactly. तो वो उस टाइम पे मैं सीधा डायरेक्ट क्लिक कर पाती थी कि हाँ ये यही क्वेश्चन है, ऐसे रटा तो नहीं था पर ऑब्वियसली इतनी बार हम लोगों ने करा था तो याद रह जाएगा कि हाँ यही क्वेश्चन है। Exactly. तो वो टाइम यूटिलाइज हो गया मेरा वहां पे, ताकि वो टाइम है ना जो मैं दूसरे क्वेश्चन को दे पाऊँ, और ऐसा हर टाइम होता है कि काफी क्वेश्चन ऐसे रिपीट में होते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया जो निम्सेट का पेपर है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है, और ये भैया एक टफ एग्जाम नहीं है, इसको अगर तुम एक स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क की स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करते हो तो बहुत इजीली इस एग्जाम को तुम लोग क्रैक कर सकते हो। भैया अगर कोई एवरेज बच्चा भी है तो उसको 1 साल की तैयारी लगती है, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो आरसी की तरह, तो आप 5-6 मंथ की तैयारी के अंदर बहुत इजीली एग्जाम को एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हो, और आरसी आपके सामने एक लाइफ एग्जाम्पल है। तो आरसी अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि तुमने कोई और भी एग्जाम्स दिए या तुम्हारा सिर्फ एनआईटी सूरतकल पे ही फोकस था, या सिर्फ एनआईटी ही तुम्हारा फोकस था? एक्चुअली जब मुझे ये निम्सेट का पता चला ना उसके बाद तब एक ही फॉर्म अवेलेबल था निम्सेट का,
उसके बाद मैंने इतना ज्यादा किसी और पे फोकस भी नहीं करा क्योंकि मेरा मेन फोकस निमसेट था, तो मैंने निमसेट का ही एम बना लिया था कि मुझे निमसेट ही क्लियर करना है चाहे कुछ हो जाए। और निमसेट में भी मैंने ऐसा बिलीफ रख लिया था कि मुझे एनआईटी के ही मिलेगा, मैंने ऐसे सोच ही लिया था कि मुझे एनआईटी के ही चाहिए। और मैंने अपनी बुक में भी लिख के रखा था कि मेरे मैथ्स में मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इंग्लिश में मुझे इतने मार्क्स चाहिए, रीजनिंग में इतने चाहिए और कंप्यूटर में इतने चाहिए, और मेरा टोटल इतना होना ही चाहिए। मैंने अपना खुद का एक टारगेट फिक्स कर लिया था और ये भी लिख लिया था कि बाई मेरा अक्टूबर में एग्जाम था और अराउंड नवंबर में रिजल्ट आने का डिक्लेयर होना था, तो मैंने ऐसा भी लिख लिया था बाय दिस डेट आई विल बी इन एनआईटी के, ऐसा करके। तो एक पॉजिटिव अप्रोच भी यहाँ पे बहुत काम काम आता है यहाँ पे। पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एस्पेक्ट जितने तुम अपने पास रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे को हेल्प करने की। यार कोरोना का बहुत टफ टाइम था जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, चाहे हमारे लिए और तुम्हारे लिए, क्योंकि भैया फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मतलब हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो हमने उस सिचुएशन में प्रिपेयर किया। तो आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि मतलब तुमने कैसे इस कोविड सिचुएशन से डील करा और कैसे तुमने अपना ये पॉजिटिव अप्रोच को बना रखा, क्योंकि बच्चे बहुत भूलते हैं कि भाई हम डीमोटिवेट हो रहे हैं या हमसे भैया हम चीजें भूल जाते हैं बीच बीच में, हमारे को याद नहीं रहता, हमने पढ़ सब कुछ रखा है लेकिन हमारे को याद नहीं रहता, या 80-90% सिलेबस होने के बाद भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए तुम क्या गाइड करोगे बच्चों को? ऐसा नहीं है कि जब मैंने 5 मंथ प्रिपरेशन करी थी तो 5 मंथ में मोटिवेट रही थी, टाइम सबका आता है ऐसा कि डीमोटिवेट हो जाते हैं हम, तो मेरा भी ऐसा टाइम आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई थी और यहाँ तक इतनी डीमोटिवेट हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे 2020 का पेपर ही नहीं देना। फिर मैंने खुद को थोड़ा संभाला कि ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा है। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था कि 2-3 हफ्ता जैसा मेरा प्रिपरेशन का टाइम छूट गया था, मैं कुछ पढ़ नहीं पाई थी कुछ रीजन की वजह से, तो फिर मुझे ऐसा लगा था अब मुझे कुछ याद नहीं आएगा जो मैंने पहले पढ़ा था, और अब तो 2 महीने ही एग्जाम में बाकी है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पाऊंगी और मुझसे नहीं होगा 2020 का एग्जाम। पर फिर मैंने धीरे धीरे फिर से सब पढ़ने का ट्राई करा, जितना पढ़ा था ना, जो भी नोट्स बनाए थे उसको फिर से मैंने रिविजन करा, एक एक करके रिविजन करती गई, तो फिर मुझे हाँ कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं मुझे याद है। पहले हुआ ऐसा कि मुझे कुछ भी नहीं याद, पर धीरे धीरे जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, पेपर दिए मैंने, पेपर में पहले बहुत कम मार्क्स आ रहे थे मेरे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एनालिसिस करते करते मार्क्स बढ़ते गए, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया मेरा। तो यार ये बहुत ही ज्यादा अच्छी टिप्स आज मैं तुम लोगों को बता दी। सबसे पहली अच्छी टिप तुम लोगों को ये लगी कि भैया जिस तरह से उन्होंने अपने जो गलतियां हुई उसके लिए कॉपी मेंटेन करी, उसके बाद भैया जो अपना उन्होंने गोल सेट करके रखा हुआ था कि भैया मेरे को इस कॉलेज में जाना ही जाना है और यहाँ पे जाना है, तो गोल अगर तुम लोग सेट करके रखते हो ना और उस गोल को तुम अपनी ड्रीम को जो लिव करते हो, तो भाई तुम मतलब वो कहते हैं ना कि भाई जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक यू भैया। उसका लाइफ एग्जांपल हमारे सामने है कि भैया अगर तुम इतनी मेहनत करो और अपना पूरा फोकस वहां पे रखो तो आप भैया उस चीज को भैया पहुंच के दिखाते हो, और आज ही मतलब एनआईटी सर्कल पहुंच चुकी है। तो ऐसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही होगा कि तुम्हारा अभी तक एनआईटी सर्कल से तो बहुत अंदर है, मतलब हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक ही और ऐसा इकलौता कॉलेज है जिसके अंदर खुद का प्राइवेट बीच है, तो क्या तुम्हारा अभी तक ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है? मुझे पता है एक्साइटमेंट बहुत होगी जाने की, पर अभी तो हम ऑनलाइन का सेकंड सेमेस्टर तुम्हारा खत्म होने वाला है, तो अभी तक मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का क्या तुम्हारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस रहा है? ऑनलाइन एक्सपीरियंस कभी ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, मैंने हमेशा एक्सपेक्ट ये किया था जब मैं चाहती थी कि मुझे एनआईटी के सूरत पर जाना है, तो ऑब्वियसली सारे लोगों की तरह मैंने भी इमेजिन करा था कि हाँ बीच है वहाँ पे, मस्ती होगी, ये होगा, सब लोग मिलके पढ़ेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, पर फिर सब ऑनलाइन हो गया तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कैसा रहेगा ऐसा कुछ। पर हाँ अभी चल रहा है जो है कि ऑनलाइन में ऐसा है कि हम लोगों को टाइम मिल जाता है, मेन चीज कि अगर कुछ और करना हो ना तो टाइम हम लोगों को मिल जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ चीजें पढ़ने के लिए, तो हम लोगों को ऐसे काफी अपना हॉबी है तो उसको मेंटेन करने के लिए या उसके लिए टाइम निकालना बहुत इजी रह जाता है ऑनलाइन एजुकेशन में। क्योंकि बहुत बच्चों का होता है कि अपनी हॉबी फॉलो करनी है, कोई रिसर्च को फॉलो करना है, बहुत लोगों को प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो ये तो मेरे को भी एडवांटेज लगा है कि भाई तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि तुम अगर घर से बैठे हो तो वर्क फ्रॉम होम का ये एडवांटेज हमारे को मिल रहा है कि तुम दो चीजों को साथ में फॉलो कर सकते हो। राइट आशी,
तो इसके अलावा हम जैसे अब सुन रहे हैं कि NITs के अंदर अगले आने वाले मतलब 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 99% चांसेस है कि जो MCA 2 years का हो जाएगा. तो तुम अगर एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हो, तुम नॉन CS बैकग्राउंड से आते हो, तो तुम्हारे को कोई डिफिकल्टी फेस हुई मतलब 3 year के प्रोग्राम के अंदर, या फिर तुम्हारे को 2 year प्रोग्राम में लगता है कि बच्चों को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या क्या कुछ उनको थोड़ी स्किल्स ऐसी डेवलप कर लेनी चाहिए? हाँ, अगर नॉन सीएस वाले बैकग्राउंड है वो 2 year वाले एमसीए को ज्वाइन करेंगे तो एक चीज है कि जो सी और सी प्लस प्लस के जो बेसिक नॉलेज है ना ये लैंग्वेजेस के, वो जान लेने और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी बहुत ज्यादा अच्छी होती है. क्योंकि जो भी लोग सीए बैकग्राउंड से, बीसीए बैकग्राउंड से या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको काफी नॉलेज होता है कि कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करनी है. तो अगर नॉन सीएस वाला जो बच्चा है वो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग की या तो फिर उनके बेसिक की, सबसे ज्यादा जो मेन होता है वो बेसिक ही होता है. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद वो प्रैक्टिस तो आगे कर ही सकता है. तो ये मेरा रहेगा कि अगर नॉन सीएस वाला कोई है जिसको ऐसे 2 year वाले एमसीएम में ज्वाइन करना है तो बेसिक एक थोड़ा क्लियर होना चाहिए लैंग्वेजेस का. अगर वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का और जिसमें बोलते हैं डीएसए का मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का है, अगर उसका एक बेसिक लेके चलता है तो उसको भैया आके एमसीएम में आके बहुत ज्यादा एक प्लस पॉइंट पे रहता है, वो अपर हैंड पे रहता है ऑलरेडी अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स से. तो भैया आगे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चीजें उसके लिए बढ़ जाती है. तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पे तो एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, उस पर बाद में बात करते हैं. अब आते हैं वापस NIT सूरत कल पे. तो अगला क्वेश्चन हमारा आज ये रहेगा कि क्या रहती है NIT सर्कल की प्लेसमेंट, जैसे हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है, कौन कौन सी बेस्ट कंपनीज आती हैं और एवरेज पैकेज क्या रहता है NIT सर्कल का? एवरेज पैकेज अराउंड 7 to 8 lakhs पर एनम रहा है पिछले 3 सालों का. और पिछले साल 2020 में काफी एनआईटीज में ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से काफी लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था ऐसा, पर एनआईटी के सूरतकल में ये बात बहुत अच्छी थी कि ऑनलाइन एजुकेशन होने के बावजूद प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा था उन लोगों का. और 2019 का मुझे पता है कि हायस्ट पैकेज 34 lakh पर एनम के अराउंड गया था और लोएस्ट पैकेज तो अराउंड 3.5 or 4 lakh तो होते हैं. और एवरेज पैकेज ऐसे 7 to 8 LPA हो जाता है. राइट आशी, तो वही मैंने जैसे बताया कि भैया जैसे तुम नॉर्मल पैकेज से स्टार्ट करोगे कि भैया 2 lakh या 1.5 lakh के जो हमारे को टीसीएस और विप्रो स्टार्टिंग में ऑफर करते हैं एज अ बीएससी स्टूडेंट या बीएससी ग्रेजुएट, तो उससे अच्छा है कि हम लोग भैया अगर एक मेहनत करें, अगर हमारे को इसी फील्ड में वर्क करना है, अगर हमारी ड्रीम ही है कि भाई हमारे को कुछ IT सेक्टर में ही जाना है या हमारे को सॉफ्टवेयर डेवलपिंग रोल्स में जाना है या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, अभी तो बहुत सारी मतलब विविड फील्ड्स है हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी हो गई, हम किसी भी फील्ड में जाकर मैनेज कर सकते हैं. तो भैया अगर तुमने ऐसा एम सोच ही लिया है तो भैया फिर तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि तुम NIMCET की तैयारी करो या किसी और MCA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि अभी MCA के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है और भैया बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पैकेजेस MCA के स्टूडेंट प्राप्त कर रहे हैं. राइट आशी, तो आशी अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि तुमने जैसे 5 months के सॉरी अपना मैनेज करा है पूरा मैथ्स को करना, तो तुम कैसे मतलब मैथ्स के लिए क्या स्पेशल करते थे कि भैया बच्चे कहते हैं कि भैया मैथ्स में हमारे को डर लगता है, मैथ्स इंप्रूव नहीं हो पाती या हमसे उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाती? तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि तुमने मैथ्स को अपने कैसे इंप्रूव करा, क्योंकि NIMCET के एग्जाम के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैथ्स की वेटेज सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि तुम मैथ्स के अंदर एक अच्छा स्कोर बना लेते हो तो भैया तुम एक टॉप रैंक बन सकते हो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे स्कोर को थोड़ा बूस्ट कर देती है, तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैथ्स के लिए तुम बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? तो मैथ्स के लिए मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसे जो आरडी शर्मा, सेल्फ स्कॉरर, ये सब बच्चे जो भागते हैं ना इनके पीछे, ये पहले तो थोड़ा बंद करना चाहिए कि सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो. जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक तुम ऐसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाओगे और डीमोटिवेट हो जाओगे. जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक ये सब अच्छा नहीं रहता. तो सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर करो, एक टॉपिक लो, उसको तुम बेस से पूरा क्लियर करने का ट्राई करो. अगर तुम लोग नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो पूरा का पूरा उसका नोट बनाओ कि इसका यहाँ पे ये होता है. और कई ज्यादा ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसके लॉजिकली हम लोग आंसर दे सकते हैं. एक क्वेश्चन है जिसके 2 तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, आइधर लॉजिकली या तो पूरा मेथड से. तो लॉजिकली आंसर देना उसका सही रहता है ताकि हम लोग वो टाइम बचा सके और वो टाइम को हम दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सके. और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यही अच्छा होता है कि अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आए हैं पेपर के टाइम पे, तो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन वो नहीं आता या तो हार्ड लगता है तो उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ दो और आगे क्वेश्चन बढ़ाओ. अगर वहां पे अटके रह जाओगे तो बाकी क्वेश्चन भी तुम लोग नहीं कर पाओगे अटेंड. तो जो पहले आता है वो पहले करना चाहिए. तो मैथ्स में सब कई ज्यादा होता है कि हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है. तो ये गलत बात है कि वहां पे ही हम अटक जाए.
राइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया हमारे को पेपर के अंदर मैक्स में क्वेश्चन करने की कोशिश की वेटेज सेम है। अगर हमें टफ क्वेश्चन तो होता है ना कि ईगो पे ले लेते हैं कभी कभी कि भैया हमसे बन क्यों नहीं रहा, मैंने तो पीएचडी तो अच्छे से पढ़ी हुई है, मुझसे तो बनना ही चाहिए बनना ही चाहिए। एक दो बार तीन चार बार सॉल्व करते हैं और अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं होता है, हो सकता है क्वेश्चन भी बहुत बार गलत होते हैं पेपर में, हम लोग देखते हैं दो तीन क्वेश्चन गलत आते भी हैं हर बार के, तो अगर हम उसको चैलेंज ले लेते हैं तो भैया हमारे को कहीं ना कहीं पर नुकसान करते हैं। आई गेस आरसी ने जितनी अभी तक बहुत सारी टिप्स शेयर करी हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इवन 2021 एस्पिरेंट्स के लिए भी, और आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे हमारे 2022 2023 के भी, उनको भी ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। सो राइट आरसी, बाकी भैया ये मैं यही कहूंगा कि जो कोविड का टफ टाइम था उसको हमने भी फेस करा है, आरसी ने भी फेस करा है, और सब लोगों ने इसको अपना बेस्ट ईयर बनाया है। तो भैया अब हम लोग चाहेंगे कि जैसे हमने 2020 को अपना बेस्ट ईयर बनाया था, तो तुम लोग 2021 पे अपना पूरा फोकस लगा दो। अभी जो 20 दिन का टाइम है उसमें अगर तुम अच्छे से सिस्टमेटिक एक अप्रोच के साथ अपने रिविजन कर लेते हो अच्छे से और मॉक अच्छे से देते हो, तो एक बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। All the best, everyone. Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people give up, they say life's too tough.